मंडलायुक्त अनिल कुमार ने मानसून के दृष्टिगत शहर के सफाई नालों की सफाई व्यवस्था एवं 70 वार्डों में सफाई व्यवस्था की जांच करने के लिए 7 मंडलीय अधिकारियों को वार्ड वार तैनात करके उनको सप्ताह में 3 बार जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। उन्होंने उप निर्देशक अर्थ एवं संख्या को वार्ड संख्या 19, 21, 30, 65, 60, 47, 46, 53, 55, 59, उप निर्देशक बचत को संख्या वार्ड 62, 57, 15, 20, 1, 3, 14, 5, 36, 17, उप निर्देशक उद्यान को वार्ड संख्या 24, 18, 13, 54, 34, 28, 31, 29, 9, 37, उप निर्देशक मत्स्य को वार्ड संख्या 7, 6, 2, 4, 44, 8, 50, 70, 10, 16, उप निर्देशक पशुपालन को वार्ड संख्या 43, 33, 68, 12, 22, 27, 11, 23, 48, 32, संयुक्त निर्देशक उद्योग को वार्ड संख्या 41, 49, 61, 38, 39, 58, 26, 40, 42, 63, संयुक्त निदेशक प्रशिक्षक आईटीआई चरगावा को वार्ड संख्या 16, 35, 59, 52, 56, 64, 66, 67 में सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के लिए जिम्मेदारी दे दी गई है। इसी क्रम में उन्होंने अपने कैंप कार्यालय पर नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक करके निर्देश दिया है कि पार्कों, नालों एवं अन्य स्थानों पर अच्छी सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी प्रत्येक सप्ताह में 3 बार निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट देंगे, जिसके आधार पर प्रत्येक सप्ताह में सफाई व्यवस्था की समीक्षा किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने सभी अधिकारियों एवं सफाई निरीक्षकों को व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का भी निर्देश दिया है। इस दौरान नगर आयुक्त सहित नगर निगम के अधिकारी उपस्थित रहे। गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए मंडलायुक्त अनिल कुमार ने बताया, स्वच्छता को लेकर टीम गठित की गई है क्या? देखिए, नगर निगम सफाई अभियान में काफ़ी मेहनत कर रहा है, परंतु पर्यवेक्षण के लिए हमने कुछ मंडली अधिकारियों को लगाया है, जिनको कुछ पर्टिकुलर एरिया दिया गया, जो कि सप्ताह में 3 दिन वो चेक करेंगे कि सफाई की क्या व्यवस्था है, और फिर साप्ताहिक रिपोर्ट देंगे। उस रिपोर्ट को नगर निगम के साथ भी शेयर किया जाएगा, ताकि उनको भी फीडबैक मिले और करेक्टिव एक्शन जो लेने हैं वो ले सके। तो इसीलिए हमने 7 एरिया में 7 मंडली अधिकारी लगाए हैं सफाई के लिए विशेष रूप से, और जो हमारे जल आपूर्ति है, पार्कों की सफाई व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइट है, ये सब कार्य चेक करेंगे।